एक देसी पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDTS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव का किया है उसमें एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है। तो जो यूको से भी मैंने पूछताछ करी है उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह जिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में इसकी सूचना मिलने पर फोन साइलेंट प्लीज था और इनको भी पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में धारा FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5 आर्म्स एक्ट की धारा 25 में UAPA एक्ट के तहत मामला। एसपी साहब नाम एक बार दोबारा बता दें, नाम दोबारा बता दें प्लीज, एक बार नाम सुन लो यार। नाम सुन ले यार, जो पकड़े गए आरोपी हैं इनके नाम गुरप्रीत, एक गुरप्रीत भाई अमनदीप, एक परमिंदर और एक भूपिंदर है। कहां से कहां जा रहे हैं? संगठन से आए थे, कहां जा रहे थे? आतंकी गिरोह भी हो सकती है सर, किसी गिरोह से हैं या आतंकी गिरोह से हैं? बिल्कुल जो है वो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो पाकिस्तान में वहां रह रहा है और आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है, वही इनको एक्सप्लोजिव्स और NDPS की जो सामग्री है वो उपलब्ध कराता है और साथ में ही इनको एक लोकेशन भी भेजता है और उस लोकेशन पे इनका काम ये होता है कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव या हथियार है वो रख करके आने होते हैं। सर किसी कोई खालिस्तानी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए? कोई खालिस्तानी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए? टारगेट क्या था, मोटिव क्या था इनका? देखिए इनको हरविंदर सिंह जो रिंदा है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन रही कौन सा, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर तेलंगाना में वहाँ पहुँचाना था सर, पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर। हाँ जी सर, एक हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है वो, उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई। सर संगठन कौन सा है? ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा किसी संगठन से जुड़ा हुआ पहले हरविंदर सिंह जो है पहले किसी आतंकी संगठन नाम आ रहा है? देखिए वो भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और 2 कंसाइनमेंट इनको ऑलरेडी वो बरामद क्या क्या हुआ है सर, बरामद क्या क्या हुआ है? जो पूछताछ हुई उसके अनुसार ID है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है सर। क्या गुड़गांव में बरामद क्या क्या हुआ है सर? जो गुड़गांव के अंदर एक्सप्लोजिव मिले थे क्या उससे कोई लेना देना? ये तेलंगाना जा रहे थे पहले, ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल। सर बॉम्ब निरोधक दस्ता यहाँ पर है, बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया सर? आसपास के जो बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया सर? दूसरे हैं जो अभी जो हमारी DDDS की टीम आई है, अभी हमने प्रथम दृष्टया जो एक्सरे करवाया गया है उसकी पुष्टि हो सके, अभी एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है और उसके बाद में जो BDDS टीम है वो अपनी आगे कार्रवाई कर। सर ये जो टीम है ये जांच है जो हरियाणा पुलिस करेगी या सेंट्रल की जो एजेंसी है उनको दिया जाएगा? जो FIR है वो मधुबन पुलिस स्टेशन में दर्ज करेगी, जो ASP इंद्री है वो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग। बरामद क्या क्या हुआ? बरामद क्या क्या हुआ है सर? जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो, 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,30,000 रुपए के आसपास। ये रहने वाले कहाँ के हैं सर एग्जैक्ट? जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और 1 आरोपी लुधियाना का रहने वाला। तो पाकिस्तान से संपर्क था सीधा इनका? जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था, इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है, वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने इसकी उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई, जिसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टेक्ट में थे, वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। सर बड़ी उपलब्धि मिली है, एक कहीं ना कहीं एक आतंकवादी एक संगठन से जुड़े हुए 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए डेफिनेटली जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें उनको हमने अलर्ट किया और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ी बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्ताड़ा टोल के पास में पहुंची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पर पहुंच गई SHO समेत, और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों को उनको चारों जो युवक हैं उनको राउंड तो फायरिंग वगैरह तो नहीं किया। हरियाणा पुलिस का अपना वो जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो हमें
क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई सर? गाड़ी दिल्ली, ये गाड़ी दिल्ली नंबर है, किसके नाम है सर? गाड़ी है लेकिन अभी इस गाड़ी की ओनरशिप किसके नाम है, कब खरीदी गई थी वो भी हम एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? बस्ताड़ा टोल टैक्स के पास। ठीक है सर, तो आप बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं, एसपी करनाल गंगाराम गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसकी जो है जरूर उसमें अंदर जो भी कुछ है उस बात की जानकारी लेने का जरूर प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भी उसमें बारूद है उसको डिफ्यूज किया जा सके, बारूद को डिफ्यूज किया जा सके। और तमाम बताया जा रहा है भारी संख्या में हथियार इससे बरामद होते हैं। जी हाँ, हथियार बरामद होते हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहाँ पर बड़ी जो है कामयाबी जरूर हासिल हुई है। चार संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। जी हाँ, चार संदिग्ध जो है आतंकियों को जरूर पकड़ा जाता है। किस तरह से पंजाब से दिल्ली जाते हुए जिनके पास भारी संख्या में बारूद है जिनके पास, और बताया जा रहा है हथियार इस गाड़ी में भारी संख्या में है। रोबोटिक मशीन से इस गाड़ी का प्रशिक्षण जरूर किया जा रहा है ताकि जो है जल्द से जल्द इस बात का पता चल सके कि क्या कुछ जो है इस गाड़ी में और कुछ है। इसलिए यहाँ पर जो है किसी पुलिस के जवान को या किसी भी व्यक्ति को इस गाड़ी के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि इसमें धमाका भी हो सकता है। जी हाँ, धमाका जरूर हो सकता है। अगर अंदर बारूद है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका हो सकता है। इसीलिए जो है इसको रोबोटिक मशीन के द्वारा जो है इसका प्रशिक्षण किया जाता है। यहाँ पर इसका प्रशिक्षण जरूर रोबोटिक मशीन के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं जहाँ मधुबन थाना की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल होती है। बताया जा रहा है सुबह 4 बजे के आसपास बस्ताड़ा टोल प्लाजा से जी हाँ इस गाड़ी पे से चार आतंकियों को पकड़ा जाता है। भारी संख्या में हथियार बरामद होते हैं, बारूद बरामद होते हैं। ये देखने वाली बात रहेगी कि इस जो बारूद है वो RDX है या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं गाड़ी को जो है थाने के अंदर अलग जगह पर जरूर खड़ा कर दिया गया है। और ये मशीन आपको नजर आ जाएगी, रोबोटिक मशीन, जो इस बात की जो है जांच करती हुई नजर आ रही है कि आखिर इस गाड़ी में क्या कुछ है और क्या कुछ है, क्योंकि बड़ी संख्या में बारूद जरूर बताया जा रहा है, हथियार उनसे बरामद होते हैं। दिल्ली से बताया जा रहा है, पंजाब से जो है दिल्ली की तरफ जाते हुए चार आतंकियों को बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल पर पकड़ा जाता है मधुबन थाना की जो टीम है उनके द्वारा। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां बड़ी कामयाबी जरूर रही है। जी हाँ, क्या कुछ इन चार आतंकियों की मंशा रही होगी, क्योंकि जिस तरह से ये जा रहे थे आप देख सकते हैं कि इनोवा इनकी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। जी हाँ, बड़ी गाड़ी है, आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अंदर काफी सीट जरूर होती है, काफी जगह जरूर होती है, जिसमें भारी संख्या में हथियार, और आप देख सकते हैं हथियार और साथ साथ जो है बारूद जरूर बरामद होता है। रेत के कट्टे भर भर कर जो है उनको डिफ्यूज करने के लिए तैयार जरूर किए जा रहे हैं। ये रोबोटिक मशीन है जो गाड़ी का प्रशिक्षण करती हुई आपको नजर आ जाएगी, गाड़ी की जांच कर रही है ताकि अंदर जो भी कुछ है उस बात की पुष्टि हो सके और किसी की जान मान की कोई हानि ना हो सके। आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा ये देख सकते हैं कि दरवाजे खोलकर अंदर से जो है मशीन अंदर जा रही है और जांच कर रही है या जो भी कुछ अंदर उस बात का पता लगाया जा सके। ये एक तरह से रोबोटिक मशीन है जो भी कुछ अंदर है, इन पर कैमरा भी जो है शायद लगा होता है जो आपके लैपटॉप या किसी भी चीज पर आपको दिखा सकती है कि क्या कुछ जो है अंदर गाड़ी में मौजूद है। जी हाँ, आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। तमाम रेत के कट्टे भरकर तैयार किए गए ताकि जो RDX है या क्या कुछ वो है जो भी है, जी हाँ, क्योंकि बताया जा रहा है वो बारूद जरूर है जिससे जो है कह सकते हैं कि बड़ा धमाका भी जरूर हो सकता है। DL इनोवा गाड़ी है, दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी है, जिसमें रोबोटिक मशीन जो है अपना जांच करती हुई आपको नजर आ जाएगी। थाना मधुबन करनाल से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ सुबह 4 बजे के आसपास जो है पकड़ा जाता है चार संदिग्ध आतंकियों को। जी हाँ, चार संदिग्ध आतंकियों को करनाल में पकड़ लिया जाता है जो पंजाब से दिल्ली की तरफ जरूर जा रही थी। दिल्ली ही नंबर गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है जिसमें जो है काफी जगह होती है। अब रोबोटिक मशीन से पहले जांच की जाएगी, जो भी अंदर विस्फोटक चीजें हैं उसकी विस्फोटक चीजों को डिफ्यूज जरूर किया जाएगा। तमाम जो है रेत के कट्टे भर कर इस बात के लिए तैयार जरूर किए गए हैं डिफ्यूज करने के लिए। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको जरूर दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ा मामला करनाल से सामने आता है। चार संदिग्ध रोबोटिक मशीन देख सकते हैं, पहले जो है आगे की तरफ जाकर जांच कर रही है गाड़ी का दरवाजा जो
है खोलकर उस बात की जांच कर रही है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, जहां मधुबन थाना को बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है। पंजाब से दिल्ली की तरफ जाते हुए बताया जा रहा है चार संदिग्ध आतंकियों को पकड़ लिया जाता है। जी हाँ, चार संदिग्ध आतंकियों को जरूर पकड़ लिया जाता है। आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को लगातार आप शेयर जरूर करते रहें। जी हाँ, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो है बताया जा रहा है पकड़ा जाता है चार संदिग्ध आतंकी इसमें मौजूद थे। जी हाँ, चार संदिग्ध आतंकी इसमें मौजूद रहते हैं। क्या उनके मंसूबे हैं और क्या कुछ वो हथियार जो अंदर मौजूद है, वो बारूद जो अंदर मौजूद है, आखिर वो किस लिए इतनी भारी संख्या में जो है बारूद और हथियार लेकर निकले थे। आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार जो है आप शेयर जरूर करें। जी हाँ, ये देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो है तैयारियां जरूर की गई है। स्पेशल टीमों को बुलाया गया है, स्पेशल टीमें एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, डीएसपी मौके पर जो है पहुंच चुके हैं, सभी मौके पर पहुंच चुके हैं। बड़ा मामला जरूर सामने आता है। ये देख सकते हैं, देखने वाली बात रहेगी कि गाड़ी किसके नाम पर है। जी हाँ, गाड़ी क्योंकि दिल्ली नंबर गाड़ी है, ये भी देखने वाली बात रहेगी कि गाड़ी किसके जो है नाम पर है और किसकी गाड़ी है। क्या ये गाड़ी जो है एक टैक्सी है, क्या इसको जो है टैक्सी की तरह यूज किया जा रहा था, इसे रेंट पर लिया गया, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में क्या कुछ जो है खुलासा होता है। फिलहाल आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। थाना मधुबन करनाल से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर रेत के कट्टे भरकर जरूर तैयार किया गया है, ताकि जो है उस विस्फोटक पदार्थ को जो भी है बरामद हुआ है उसको डिफ्यूज जरूर किया जा सके और किसी की जान माल की कोई हानि ना हो। आप देख सकते हैं जो मशीन है, रोबोटिक मशीन है, जिससे जांच की जा रही है गाड़ी की कि अंदर जो है क्या कुछ मौजूद है, क्या कुछ विस्फोटक सामग्री मौजूद है। जिस तरह से संदिग्ध अवस्था में जो है चार आतंकी पकड़ लिए जाते हैं। जी हाँ, चार आतंकी जरूर पकड़ लिए जाते हैं। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं। आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करें, लगातार शेयर जरूर करें। वो रोबोटिक मशीन जो है वो देख सकते हैं, रोबोटिक मशीन जो है इनोवा गाड़ी की जांच जरूर करती हुई नजर आ रही है। आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करें। जी हाँ, फिलहाल आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। जो तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है थाना मधुबन करनाल की टीम को बड़ी कामयाबी जरूर हासिल होती है। चार संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जाता है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर सुबह 4 बजे का जो है ये मामला बताया जा रहा है। जी हाँ, पंजाब से बताया जा रहा है, दिल्ली की तरफ वो चले हुए थे। दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी है, वो गाड़ी भी किसके नाम पर है, ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि क्या वो गाड़ी जो है रेंटल है या क्या कुछ है। तमाम जो है टीमें मौके पर है, एसपी मौके पर है, डीएसपी मौके पर है, स्पेशल टीमें मौके पर है और सभी आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस का आना जाना यहाँ पर जरूर लगा हुआ है। ये लाइव तस्वीरें आपको थाना मधुबन करनाल से जरूर दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी कामयाबी जरूर हासिल होती है। उसके बाद तमाम रेत के कट्टे भरकर जो है लगाए गए हैं, ताकि उस विस्फोटक सामग्री को जो भी है जो बरामद हुई है उसको यहाँ से जो है बरामद हुई है उसको डिफ्यूज किया जा सके। ये इनोवा गाड़ी है। फिलहाल आपसे यही अपील करूंगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर। करनाल में चार संदिग्ध आतंकियों को पकड़ लिया गया है। जी हाँ, करनाल में चार संदिग्ध आतंकियों को पकड़ लिया जाता है, वो भी भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री के साथ और साथ ही साथ भारी मात्रा में हथियार उनसे बरामद होते हैं। जी हाँ, पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रही ये गाड़ी बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल पर पकड़ ली जाती है। बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस की सामने जरूर आई है। आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, शेयर जरूर करते रहे। तमाम स्पेशल टीमें, तमाम जो है करनाल के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आपसे अपील यही रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से इस गाड़ी को पकड़ा जाता है जिसमें आतंकी मौजूद थे। जी हाँ, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस मंशा से जो है वो निकले हुए थे, किस मंशा से निकले हुए थे और साथ ही साथ जो है क्या कुछ जो है वो किस संगठन से जुड़े हो सकते हैं और क्या उनका आगमी जो है वो करने वाले थे, आगे क्या कुछ वो करने वाले थे। फिलहाल आपसे अपील यही रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। रोबोटिक मशीन के द्वारा गाड़ी की जांच जरूर की जा रही है। आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। जी हाँ, तो आपसे अपील, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से जनता बिगी न्यूज और असंधर चल के माध्यम से। फिलहाल आपसे अपील करूंगी कि इस वीडियो को शेयर करें और आगे भी जो इस मामले में जो भी अपडेट रहती है
उसको लेकर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। फिलहाल ये बड़ी सफलता जरूर रही है कि चारों आतंकियों को पकड़ लिया गया है और उनसे जो ये गाड़ी बरामद हुई है, इस गाड़ी के अंदर विस्फोटक सामग्री है, बारूद है और साथ ही साथ भारी मात्रा में हथियार है। तो इस वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, अब इस जो तमाम जो है रेत के कट्टे भरकर लगा दिए गए ताकि उस विस्फोटक सामग्री को डिफ्यूज जरूर किया जा सके, डिफ्यूज किया जा सके। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस गाड़ी को अलग खड़ा जरूर कर दिया गया, क्योंकि इस गाड़ी में अगर देख सके तो धमाका भी हो सकता है। ये रोबोटिक मशीन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आपको नजर आ जाएगी, गाड़ी जो है आपको नजर आ जाएगी, गाड़ी की जांच करती है रोबोटिक मशीन जरूर नजर आ जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को इसके पास भेजा तो हो सकता है इस गाड़ी में धमाका हो सकता है, इसीलिए रोबोटिक मशीन का यूज किया जा रहा है। जी हाँ, रोबोटिक मशीन का यूज किया जा रहा है। आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। एक बार गाड़ी नंबर में बताने का प्रयास जरूर करूंगी। फिलहाल दूर से जो नजर आ पा रहा है वो गाड़ी नंबर है DL1VB7869। जी हाँ, 7869 इनोवा गाड़ी है, व्हाइट रंग की गाड़ी है, आपको नजर आ जाएगी, दिल्ली नंबर गाड़ी है। अब देखने वाली बात ये रहने वाली है कि आखिर इस गाड़ी का मालिक कौन है और कौन जो है इसे यूज कर रहे थे, वो चारों आतंकी किस संगठन से जुड़े हो सकते हैं और क्या कुछ जो है उनकी मंशा रही होगी इतनी भारी मात्रा में जो है हथियार ले जाने की और बारूद ले जाने की। आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। जी हाँ, सभी से अपील यही रहेगी कि वीडियो को लगातार आप शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें ये देख सकते हैं जो रोबोटिक मशीन है वो आपको जांच करती हुई जरूर नजर आ जाएगी, रोबोटिक मशीन जो आपको जांच करती हुई जरूर नजर आएगी। आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। जी आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, रोबोटिक मशीन आपको नजर आ जाएगी जो गाड़ी की जांच जरूर कर रही है। जी हाँ, आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। फिलहाल ये लाइव तस्वीर आपको जनता ब्रेकिंग न्यूज और असंध हलचल के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ रेत के कट्टे भी भरकर तैयार किए गए ताकि कोई भी विस्फोट अगर विस्फोटक सामग्री है तो उसको मशीन है वो काम करती हुई नजर आ रही है। ओके, चलो तो देख सकते हैं कि किस तरह से वो रोबोटिक मशीन, जी हाँ, गाड़ी से कुछ लेकर रेत के कट्टों के पास जरूर जाती हुई नजर आ रही है। आपको ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा से चार संदिग्ध आतंकियों को 4 बजे के आसपास पकड़ा जाता है, जिनसे भारी संख्या में जो है बारूद जरूर बरामद होता है, भारी मात्रा में हथियार इस गाड़ी में बताए जा रहे हैं। इनोवा गाड़ी है, दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी है। देख सकते हैं कि किस तरह से वो रोबोटिक मशीन गाड़ी से कोई पदार्थ जरूर निकालकर आगे लेकर जाकर और उसको डिफ्यूज जरूर करने के लिए ले जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, वहां पर आप देख सकते हैं कि रेत के कट्टे भरकर जरूर लगा दिए गए हैं। आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करते रहे। ये बड़ा मामला करनाल से सामने आता है, जहां बताया जा रहा है कि पंजाब से जो है ये चले हुए थे। जी हाँ, पंजाब से चले हुए थे और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली नंबर गाड़ी में दिल्ली की तरफ जाते हुए चार संदिग्ध आतंकियों को जरूर पकड़ा जाता है। जी हाँ, चार संदिग्ध आतंकियों को पकड़ लिया जाता है। देखने वाली बात रहेगी किस संगठन से ये लोग जुड़े हो सकते हैं और क्या कुछ जो है इनकी मंशा रही है। आप देख सकते हैं वो रोबोटिक मशीन, उसने जो है अपने जो भी है वो पंजा जो है उसमें जरूर कुछ लेकर गाड़ी से निकली हुई है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तमाम टीमें मौके पर लगातार पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तमाम टीमें, बड़ा मामला जरूर सामने आता है। चक्करनाल एसपी देख सकते हैं कि स्पेशल मशीन जो जरूर है, ये स्पेशल मशीन है जिससे जो है इन चीजों को डिफ्यूज जरूर किया जाएगा। जी हाँ, डिफ्यूज जरूर किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से जरूर दिखा रहे हैं। जी हाँ, देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें, विस्फोटक पदार्थ जो है गाड़ी में बताया जा रहा है बरामद होता है। ये देख सकते हैं रोबोटिक मशीन के पास जो है एक गाड़ी से
जो है पदार्थ को निकाल कर जरूर आगे की तरफ ले जाते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर ये बारूद क्या कुछ है, क्या ये RDX है, ये क्या कुछ है। तो देख सकते हैं कि एक बैग जो है बताया जा रहा है इनोवा गाड़ी से निकाला है मशीन ने। जी हाँ, रोबोटिक मशीन जो है जरूर है ये, क्योंकि गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ है, इसीलिए आसपास किसी को जाने की अनुमति जो है नहीं है। जी हाँ, ये बैग नुमा जो है चीज आपको नजर आ जाएगी, वो हर चीज को इस गाड़ी से निकाल कर जो है विस्फोटक चीजें जरूर हो सकती हैं। जी हाँ, ये विस्फोटक चीजें जरूर हो सकती हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं। जी हाँ, हरियाणा के करनाल से जरूर दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम स्पेशल टीमों के साथ, जी हाँ तमाम स्पेशल टीमों के साथ जरूर जो है पहुंच चुके हैं सभी। ये देख सकते हैं सभी के सभी यहाँ पर देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा पा रहे हैं। पुलिस के तमाम कर्मचारी आपको नजर आ जाएंगे। तो आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को जो है लगातार शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, बड़ा मामला करनाल से सामने आता है, बड़ा मामला। जी हाँ, जहाँ पर जो बताया जा रहा है पंजाब से दिल्ली की तरफ जाते हुए, पंजाब से दिल्ली की तरफ जाते हुए एक इनोवा गाड़ी पकड़ी जाती है। जी हाँ, नाका जरूर लगाया गया था, उसके बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर नाका लगाया जाता है और चार आतंकियों को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भारी संख्या में वो लेकर जा रहे थे बारूद और हथियार। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है वो आखिर, ये देख सकते हैं रोबोटिक मशीन आपको नजर आ जाएगी, उसमें से एक बैग या पैकेट नुमा चीज निकाल कर उसने वहां रख दी है। तमाम जो है चीजें गाड़ी से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये विस्फोटक हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि ये विस्फोटक हो सकते हैं, इसीलिए जो है मशीन का यूज जरूर किया जा रहा है, इसीलिए मशीन का यूज किया जा रहा है। आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। चार आतंकी करनाल बसाड़ा टोल प्लाजा पर जो है पकड़े जरूर जाते हैं, बसाड़ा टोल प्लाजा पर पकड़े जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पकड़े जाते हैं। उसके बाद ये तस्वीरें, जी हाँ हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक रोबोटिक मशीन आपको नजर आ जाएगी, जो गाड़ी की जांच कर उसमें से विस्फोटक पदार्थ निकालकर जरूर रखा है। उस पैकेट में क्या कुछ हो सकता है, या फिर उस जो है बैग में क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम जो है रेत के कट्टों के पास जरूर रखा है। जी हाँ, भारी संख्या में बताया जा रहा है बारूद जरूर बरामद होता है, साथ ही साथ बारूद बरामद होता है और बताया जा रहा है साथ ही साथ हथियार बरामद होते हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल से। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा मामला जरूर जो है सामने आता है, बड़ा मामला जरूर रहता है कि किस तरह से करनाल में चार आतंकी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जी हाँ, करनाल में चार आतंकी जरूर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बड़ी अपडेट जरूर है कि थाना मधुबन की टीम, जी हाँ, बसाड़ा टोल प्लाजा पर नाका लगाकर जो है पकड़ा गया है चार संदिग्ध आतंकियों को। जी हाँ, चार संदिग्ध आतंकियों को ये रोबोटिक मशीन आपको नजर आ जाएगी, जो इनोवा गाड़ी से सामान जो है निकाल कर रखती हुई आपको नजर जरूर जाएगी। हो सकता है वो विस्फोटक पदार्थ हो या क्या कुछ इस पैकेट में है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। ये मशीन आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जो है जीव को उसके आसपास नहीं भेज सकते, क्योंकि उस गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ जरूर हो सकता है। चार आतंकी जरूर शामिल है, चार आतंकियों को पकड़ा गया है पंजाब से दिल्ली की तरफ जाते हुए। जी हाँ, दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि गाड़ी किसके नाम पर है और ये आतंकी जो है किस संगठन से जुड़े हो सकते हैं और क्या कुछ जो है इनकी आगे ये करने के लिए निकले हुए थे। जी हाँ, देश को इन चार आतंकियों से जरूर जो है एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि क्या कुछ इनकी मंशा रही है। स्पेशल टीमें तमाम लोग, तमाम SPD SP मौके पर चोर पूछे के देख सकते हैं। यहाँ पर डॉग से जो है जांच जरूर करवाई जाएगी। जी हाँ, डॉग के साथ। तो आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहे। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है। जी हाँ, हरियाणा के करनाल से, जहाँ पर जो है टीमें जो है डॉग के साथ गाड़ी की और उस विस्फोटक पदार्थ की जांच करने के लिए निकली है कि उस विस्फोटक पदार्थ जो कुछ भी है उसमें क्या कुछ है। एक बार जो है डॉग से, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि उनसे जो है
जांच की जाएगी कि आखिर उस पैकेट में क्या है, उस पैकेट में क्या कुछ है, क्योंकि ये देख सकते हैं जो डॉग्स की सूंघने की क्षमता वो बहुत ज्यादा अधिक होती है और अक्सर जो है पुलिस कार्रवाई में इन पुलिस डॉग्स का यूज जरूर किया जाता है ताकि किसी भी तरह के संदिग्ध जगह पर वो पता लगा सके कि आखिर क्या कुछ जो है उसमें चीजें। देख सकते हैं जो डॉग है वहाँ पर बैठा हुआ जरूर नजर आया। जी हाँ, एक बार वो उसे सूंघ कर वहाँ पर बैठ जरूर गया था। जी हाँ, तमाम देख सकते हैं टीमों के साथ साथ डॉग का यूज किया जा रहा है ताकि सूंघ कर ये पता लगाया जा सके कि आखिर क्या कुछ जो है मंशा रही है और कौन किस संगठन से ये जुड़े हो सकते हैं। जी हाँ, ये भी देखने वाली बात रहेगी क्योंकि चार संदिग्ध आतंकियों को करनाल में जरूर पकड़ लिया जाता है। जी हाँ, करनाल में पकड़ लिया जाता है। उसके बाद से ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं जहाँ मधुबन थाना की टीम, जी हाँ मधुबन थाना की टीम को बड़ी सफलता हासिल होती है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो करनाल में तमाम टीमें हैं वो हाई अलर्ट पर जरूर नजर आ जाएंगी। तमाम एसपी डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, डीसी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो यही अपील रहेगी, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ जी हाँ, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं करनाल मधुबन थाना से जहाँ पर एक गाड़ी इनोवा गाड़ी में चार संदिग्ध आतंकी देख सकते हैं। तो तमाम जो है टीमें देख सकते हैं कि किस तरह से आपको नजर आ जाएंगी। ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं जो ये आपको डिफ्यूज करने के लिए, जी हाँ डिफ्यूज करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड जो है पहुंच चुके हैं, बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुके हैं। यानी कि जो डॉग जांच कर गया है, जो डॉग सुन कर गया उसमें विस्फोटक सामग्री ही है। जी हाँ, उसमें विस्फोटक सामग्री ही होगी। जिस तरह से ये बॉम्ब स्क्वाड जो है यहाँ पर उसको डिफ्यूज करने के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से जरूर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड जो है वो डिफ्यूज जरूर करेंगे। उस पैकेट में क्या कुछ है, जी हाँ क्या कुछ उस पैकेट में है, तमाम सुरक्षा के मद्देनजर जो है इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। जी हाँ, तमाम सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम जरूर दिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से जहाँ पर चार संदिग्ध आतंकियों को भारी मात्रा में बारूद और हथियारों के साथ जो है पकड़ा जाता है इनोवा गाड़ी में। ये देख सकते हैं बॉम्ब स्क्वाड आपको जरूर नजर आ जाएगा। साथ ही साथ उस पैकेट में पहले डॉग को लाया जाता है, डॉग से जो है पूरी जांच करवाई जाती है। पुलिस डॉग जरूर होते हैं, वो काफी जो है उस केसेस में सफलता जरूर हासिल होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर उसको विस्फोट जरूर किया जाएगा, जो विस्फोटक पदार्थ है उसको डिफ्यूज कर यहाँ से जो है हटाया जाएगा, डिफ्यूज जरूर किया जाएगा। आप ये लाइव तस्वीरें चार पकड़ा गया है तो देख सकते हैं वहाँ पर जो है ये एक मशीन जरूर रखकर आए हैं। जी हाँ, एक मशीन जरूर रखकर आए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं तमाम टीमें हरकत में आती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, हाई अलर्ट पर करनाल पुलिस आपको नजर आ जाएगी, एसपी डीएसपी मौके पर नजर आ जाएंगे। पूरा करनाल में हाई अलर्ट जरूर है, वहाँ पर डिफ्यूज करने के लिए जो है बॉम्ब स्क्वाड जो है अपनी मशीनरी जो है रखकर जरूर जाते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। जी हाँ, जहाँ पर चार संदिग्ध आतंकियों को भारी मात्रा में बारूद और हथियारों के साथ बसाड़ा टोल प्लाजा करनाल से पकड़ा जाता है, पंजाब से दिल्ली की तरफ जो है जाते हुए। जी हाँ, पंजाब से दिल्ली की तरफ जाते हुए ये देख सकते हैं को यहाँ पर जो है वो वेट करते हुए जरूर आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरह से जो है वेट वो कर रहे हैं। वहां पर जो है उन्होंने उस पैकेट के पास उस मशीन को जरूर रखा है जिससे शायद डिफ्यूज जरूर किया जाएगा, बॉम्ब स्क्वाड है आपको नजर आ जाएगी। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है। जी हाँ, जहाँ पर इनोवा गाड़ी में बड़ी गाड़ी में जो है चार आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है बसाड़ा टोल प्लाजा से। अब देखने वाली बात रहेगी इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आखिर किस संगठन से जो है ये जुड़े हो सकते हैं और क्या कुछ इनकी मंशा है। तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, हाई अलर्ट पर करनाल पुलिस जो है आपको नजर आ जाएगी।
एसपी, एसपी, डीएसपी, डीसी सभी जो है मौके पर है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अपना जो है काम जरूर आपको करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर वो मशीन जरूर रख दी गई है और साथ ही साथ इसको डिफ्यूज जरूर किया जाएगा। पहले पुलिस चौक के द्वारा इस बात की जो है जांच भी करवाई गई कि आखिर जो है इस पैकेट में क्या कुछ है वो भी देखा गया। पुलिस चौक को से इसकी जांच करवाई जाती है, उसके बाद डिफ्यूज करने की तैयारी, जी हाँ, इसको डिफ्यूज करने की तैयारी जरूर की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं, जहां इनोवा गाड़ी व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी में पकड़ा जाता है, जी हाँ पकड़ा जाता है चार आतंकियों को। क्या कुछ जो है वो करने जा रहे थे, क्या कुछ वो दिल्ली करने जा रहे थे। दिल्ली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश का दिल है दिल्ली, तमाम पीएम, सभी अधिकारी, सभी जो है अधिकारी, नेता, मंत्री दिल्ली में रहा करते हैं। आखिर जो है ये चारों आतंकी दिल्ली में इतनी भारी संख्या में हथियार और जो विस्फोटक पदार्थ लेकर क्यों निकले थे और क्या कुछ इनकी मंशा रही होगी, आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं कि किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। जी हाँ, हरियाणा के करनाल से, जहाँ पर तमाम टीमें मौके पर है। उसके बाद साथ ही साथ आप देख सकते हैं एसपी गंगाराम पुलिया डिफ्यूज करने के लिए, जी हाँ डिफ्यूज करने के लिए इस पदार्थ को डिफ्यूज करने की तैयारी पूरी की जाएगी। आप देख सकते हैं कि तमाम जानकारियां मिलनी अभी बाकी है। पुलिस क्या कुछ इस मामले में कहेगी, कौन वो आतंकी है, क्या कुछ उनकी मंशा है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी गाड़ी बरामद होती है चार आतंकियों के साथ जो इस गाड़ी में मौजूद होकर जा रहे थे, इस गाड़ी में मौजूद होकर जो है डिफ्यूज के लिए निकले हुए थे। जी हाँ, काफी भारी संख्या में हथियार जो है इनसे बरामद होता है और साथ ही साथ जो है ये तमाम टीमें साइड पर आपको नजर आएगी। बम निरोधक दस्ता जो है जरूर नजर आ जाएगा, बम निरोधक दस्ता। जी हाँ, बम जो है डिफ्यूज ये लोग किया करते हैं, आप देख सकते हैं बम को डिफ्यूज किया जाएगा। तमाम अपडेट लेकर मैं आपके साथ जरूर जुड़ती रहूंगी। फिलहाल आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको जनता ब्रेकिंग न्यूज और असल हलचल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। जी हाँ, देश के अंदर इस तरह की एक्टिविटी होना कितनी गंभीर जो है बात हो सकती है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अगली अपडेट लेकर भी आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। देखते रहे असल हलचल और जनता ब्रेकिंग न्यूज। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ा जो है बड़ा अपडेट जरूर रही है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है कि चार ही लोग जो है इसमें शामिल जरूर थे। चार देख सकते हैं कि किस तरह से आतंकी गतिविधियों में बताया जा रहा है कि वो अक्सर शामिल रहे हैं। जी हाँ, संलिप्त जरूर रहे आतंकी गतिविधियों में। चार जो है लोग बताए जा रहे हैं, चार आतंकी बताए जा रहे हैं, उसमें से तीन जो बताए जा रहे हैं फिरोजपुर के, एक लुधियाना से है। जी हाँ, जो एसपी गंगाराम पुनिया ने अपडेट दी है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं कि जो है बॉम जो है डिफ्यूज करने के लिए या किस तरह से आप देख सकते हैं तमाम जो है टीमें मौके पर है। साथ ही साथ ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है। जी हाँ, मधुबन थाना से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है काफी कुछ जो है ये देख सकते हैं ये पैकेट जो रखे हुए हैं। जी हाँ, ये पैकेट अगर जो रखे हुए हैं वो बताया जा रहा है कि चार संदिग्ध आतंकियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हाँ, इनोवा गाड़ी आपको नजर आ जाएगी। इनोवा गाड़ी में हथियारों के साथ साथ विस्फोटक पदार्थ भी जो है जरूर इस मामले में रहे हैं। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें, चार आतंकी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से जो है उनको अपडेट्स मिला करती थी। जी हाँ, पाकिस्तान से उनको अपडेट्स मिला करती थी। तीन आतंकी फिरोजपुर के बताए जा रहे हैं और एक आतंकी लुधियाना से बताया जा रहा है। जी हाँ, अक्सर बताया जा रहा है आतंकी गतिविधियों में संलिप्त जरूर रहे हैं। जी हाँ, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल से, मधुबन से, जहाँ इनोवा गाड़ी में जो है चार आतंकी गिरफ्तार होते हैं। चार आतंकी जरूर पकड़े जाते हैं, चार आतंकी जरूर गिरफ्तार होते हैं। तो देख सकते हैं कि रेत के कट्टों को भरकर वहां पर रखा गया है। बताया जा रहा है चार पैकेट है, जो ये पैकेट आपको नजर आ जाएंगे, ये जो है बरामद
करनाल से है। जी हाँ, आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को लगातार पंजाब में तो ये तस्वीरें हैं। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हैं। जिस तरह से इनोवा गाड़ी, व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी, डीएल नंबर, दिल्ली नंबर, जी हाँ, एफआईआर भी जो बताया जा रहा है दर्ज की ली गई है। और साथ ही साथ एसपी गंगाराम पुनिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर दे दी है कि इस मामले में चार ही आतंकी जरूर है। बताया जा रहा है पाकिस्तान से उन्हें अपडेट्स दिया करता था, और ये जो है ड्रोन के जरिए भी इस तरह से हथियार और बारूद जो है सप्लाई किया करते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि कितना बड़ा मामला करनाल में सामने आता है। पंजाब से दिल्ली की तरफ जाते हुए इनोवा गाड़ी में भारी संख्या में बारूद और हथियार जो है बरामद किए जाते हैं। ये वो गाड़ी है, व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी है, आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी, दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी है, जिसमें विस्फोटक पदार्थ जो है निकाल लिए गए हैं। पुलिस डॉग द्वारा उसकी जांच की जाती है, रोबोटिक मशीन द्वारा गाड़ी की जांच की जाती है। उसके बाद जो बस बम विस्फोटक जो है ये दस्ता होता है, यानी कि वो यहाँ पर पहुंचकर इसको डिफ्यूज करने का काम जरूर कर रहे हैं। फिलहाल वो अपनी काम जरूर करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, और भारी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव, तो देख सकते हैं कि ये विस्फोटक पदार्थ, जी हाँ, ये देख सकते हैं किस तरह से बड़ा मामला करनाल से सामने आता है। आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। करनाल के मधुबन थाना से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर सुबह चार बजे बताया जा रहा है चार आतंकियों को पकड़ा जाता है। जी हाँ, चार आतंकियों को पकड़ा जाता है। आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को आप लगातार जो है शेयर करते रहे। जी हाँ, लगातार सप्लाई किया करते थे ये लोग जो है, ये विस्फोटक सामग्री, हथियार जो है सप्लाई किया करते थे। बताया जा रहा है ये पंजाब से सप्लाई किया करते हैं, और एक नाम जरूर सामने आ रहा है, वो नाम जो है पाकिस्तान से सामने आ रहा है। जी हाँ, वो जो है अपडेट दिया करता है किस तरह से कि कहां पर जो है ये हथियार, ये बारूद सप्लाई करना है। ये लाइव तस्वीरें फिलहाल मधुबन थाना से है, जहां पर इन पदार्थों को डिफ्यूज किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा, ताकि जो है किसी तरह से जान मान की हानि ना हो सके। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है, जहां मधुबन थाना से इस गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है, जांच की जाती है। तो चार आतंकियों सहित आप देख सकते हैं भारी मात्रा में ये जो है पॉकेट बरामद होते हैं, जिसमें विस्फोटक पदार्थ है। जी हाँ, विस्फोटक पदार्थ है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। जी हाँ, हरियाणा के करनाल से ये लाइव तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम टीमें एसपी मौके पर पहुंचते हैं, डीएसपी मौके पर पहुंचते हैं, और स्पेशल टीमें और भी जो है रोबोटिक मशीन से जांच की जाती है, डॉग से, पुलिस डॉग से जांच की जाती है। उस पैकेट को आप देख सकते हैं वहां पर रखा गया है, रेत के कट्टे भरकर उसके आसपास रखे गए हैं, ताकि जो है इसी तरह से डिफ्यूज किया जा सके। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। जी हाँ, हरियाणा के करनाल से ये लाइव तस्वीरें। आपसे अपील यही करूंगी कि वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करते रहे। वीडियो को लगातार आप शेयर जरूर करें। आपसे अपील यही रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करें। जी हाँ, ये देख सकते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं जो विस्फोटक पदार्थ को नष्ट करने जाते हुए। जी हाँ, विस्फोटक पदार्थ को नष्ट करते जाते हुए आपको नजर आ जाएंगे किस तरह से। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बॉम्ब स्क्वाड की टीम, जी हाँ, बॉम्ब स्क्वाड की टीम डिफ्यूज करने के लिए जरूर आपको नजर आ जाएगी। काफी संख्या में जो है बरामद हुआ है ये बारूद। जी हाँ, ये बारूद बरामद होता है, हथियार बरामद होते हैं। चार आतंकी, जी हाँ, चार आतंकी पकड़े जाते हैं करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा से 4 बजे। जी हाँ, ये इनको जो है डिफ्यूज किया जा रहा है, इनको खत्म किया जाएगा, ताकि वो इसको कहीं यूज ना कर सके या किसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। ये लाइव तस्वीरें, जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है।
जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बम स्क्वाड की टीम जो है मैदान में उतर गई है और अब यहां पर इसको डिफ्यूज किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर ये तीन पैकेट जरूर आपको रखे हुए नजर आ जाएंगे। इनके अंदर बारूद है जी हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो एसपी गंगाराम पुनिया से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि वो लोग इसकी सप्लाई किया करते हैं, जी हाँ सप्लाई किया करते हैं, और उनको ये ऑर्डर पाकिस्तान से दिए जाते हैं। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है। जो आतंकी बताए जा रहे हैं तीन फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, ये दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी में जाते हुए बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल से जो है पकड़े जाते हैं, बस्ताड़ा टोल प्लाजा से पकड़े जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है डिफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। जी हाँ, बॉम्ब स्क्वाड की टीम देख सकते हैं डिफ्यूज करने के लिए जरूर उतरे हुए हैं। तमाम अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ये लाइव तस्वीरें आपसे अपील करूंगी, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। बड़ा मामला करनाल से सामने आता है जब मधुबन थाना की टीम जो है चार संदिग्ध आतंकियों को बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल पर पकड़ती है इनोवा गाड़ी में। इनोवा गाड़ी में भारी संख्या में बारूद है, हथियार बरामद होता है। जी हाँ, और एसपी गंगाराम द्वारा भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से। बंद कर दूं क्या? तो आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। रेत के कट्टे भरकर उस पदार्थ जो विस्फोटक पदार्थ है उसके आसपास जरूर लगाए गए, इसी तरह से जो है डिफ्यूज किया जाता है। आपसे अपील वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। अभी बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये तस्वीरें आपको जनता ब्रेकिंग और संदंचल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपसे अपील करूंगी चैनल को फॉलो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तमाम करनाल की खबरों के लिए जुड़े रहे। आपसे अपील वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।